ठीक, विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल। ठीक, जितना कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे। बुकलेट्स हैं आप लोगों के पास? बहुत अच्छी बात है। तो एक बार देखें, जिनके पास नहीं है बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज दैट इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी एक्टिंग। ये हमने किया हुआ है। एक्सप्रेशन आता है स्कूल में सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया था कि लेट अस सपोज आपके पास कोई दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2, जिसके ऊपर जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड x2, y2, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेट अस सपोज कहाँ पर है x, y, जहाँ पर टोटल मास कितना पड़ा हुआ है m, और लेट अस सपोज पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर एंड सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, उन दो पार्टिकल्स के बेस पे जैसे उनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मालूम है तो यू कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, यू कैन कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे m1 x1 m2 x2, m1 + m2, m1 y1 m2 y2, m1 + y2, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाई m1 + m2, राइट। फिर इसका क्या आएगा, n पार्टिकल तक एक्सपेंशन है तो सेम रिजल्ट को n तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? और ऐसी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को भी n पार्टिकल तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हमने डराइव किया था, क्या डराइव किया था कि अगर आपके पास एक सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, m1 एंड m2 पार्टिकल्स हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो लेट अस सपोज इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर एंड इनमें इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं। मान लो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है F1e, F2e, और इंटरनल फोर्सेस क्या लग रही हैं F12 और F21। पर हमने ये भी डिस्कस किया था जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाती हैं, कैंसिल करती हैं। जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तो टोटल फोर्स की अगर वैल्यू देखी जाए, टोटल फोर्स ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, बट क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। तो आपके पास जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी F1e + F2e के इक्वल आएगी, क्योंकि F12 और F21 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली F क्या होता है, m into dv by dt। फर्स्ट पार्टिकल के लिए F1e क्या होगा, m1 into dv1 by dt। लेट अस सपोज फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ v1, और सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए m2 into dv by dt। और टोटल फोर्स की वैल्यू क्या थी, F1e + F2e, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो आपस में कैंसिल कर गई थी। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, m1 को आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं तो क्या बनेगा, d by dt of m1 v1, m2 के इसके अंदर लेके जाएंगे तो d by dt of m2 v2। तो d by dt कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, m1 v1 + m2 v2। तो टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम क्लियर है। ये फोर्स हमने कैसे निकाली, ये फोर्स हमने ऐसे निकाली क्योंकि आपने दो एक्सटर्नल फोर्सेस ली और एक एक मास के ऊपर आपने फोर्स अलग अलग निकाली और दोनों फोर्सेस को आपने ऐड कर दिया। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज है तो लेट अस सपोज v इज द टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, और ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, एंड m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आप सीधा लिख सकते हो d by dt of total mass into total velocity। लेकिन ये जो velocity आएगी वो किसकी आएगी, सेंटर ऑफ मास की आएगी। तो आपने दो तरीके से सिस्टम की फोर्स निकाल ली, एक इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करके और दूसरी सेंटर ऑफ मास से। और अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सही है और सही आंसर दे तो दोनों से कैलकुलेट की हुई फोर्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। d by dt हट गया तो m into v is m1 v1 + m2 v2, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2 या m। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। लेकिन हमें मालूम है कि v1 को क्या पुट कर सकते हैं, dr1 by dt, और v2 को क्या पुट कर सकते हैं, dr2 by dt। तो पिछले एक्सप्रेशन में m1 v1 की जगह dr1 by dt, m2 v2 की जगह dr2 by dt, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 + m2।
ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से m1 इसके अंदर जा सकता है, क्या बनेगा, d बाई डी टी ऑफ m1 r1, d बाई डी टी ऑफ m2 r2। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, d बाई डी टी ऑफ m1 r1 d बाई डी टी ऑफ m2 r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का क्या था, r वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो ये डी आर बाई डी टी, ये डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म, डी बाई डी टी हट गया, तो आपके पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आपको प्रूव करना होता है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और अगर एन पार्टिकल सिस्टम होंगे तो इस रिजल्ट को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक। बेसिकली इसमें क्या किया, फिर टोटल फोर्स निकाली, और टोटल फोर्स के अंदर हमने क्या किया, टोटल फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल थी, इंटरनल नहीं लेनी, एक्सटर्नल लेनी है, और डी बाय फोर्स की जगह क्या पुट कर देना है, एम इंटू डी वी बाय डी टी। तो दोनों को पुट करके सॉल्व करके, सबसे पहले आपने टोटल फोर्स निकाली इंडिविजुअल, फिर टोटल फोर्स सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में, इन्हें इक्वेट किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, फिर v1 v2 को dr1 dr2 की फॉर्म में पुट किया, तो आपके पास जो है ये आंसर आएगा। तो कुछ भी नहीं है, तीन चार लाइन का स्टेप है ये, बार 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 रिवाइज करोगे तो अपने आप ठीक लगेगी, और बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाएं, तो आपको बड़े एक्सप्रेशन छोटे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेते हैं m1 m2 m3 अप टू mn, तो उनके ऊपर टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आप इंडिविजुअल मोमेंटम लो m1 v1 m2 v2 अप टू mn vn, और इसकी नेट फोर्स निकाल दो, मतलब आप अलग 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 सभी फोर्सेस को ऐड कर दो इन शॉर्ट। दूसरा एक और तरीका होता है, सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि d बाई डी टी ऑफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस, तो बहुत लंबा तरीका है सॉल्व करने का, हम एक शॉर्टकट लगाते हैं कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो टोटल फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अगर टोटल फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। तो अगर कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, और अगर मोशन में है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, अगर उसके ऊपर क्या ही लगती है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशंस हमने की थी। पहली एप्लीकेशन क्या थी कि सपोज अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है या बॉम्ब है, उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक टुकड़ा उधर जाता है एक उधर जाता है, और अगर ये एक्सप्लोजन से पहले इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी ये दोनों पार्टिकल ऐसे टूटेंगे और ऐसे ऑपोजिट जाएंगे कि जब आप उनका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वो कोऑर्डिनेट जहां था वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है यहां तक, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी किस पे रहता है, रेस्ट पे ही रहता है। तो ऐसा एग्जांपल किया हमने। फिर ऐसा दूसरा एग्जांपल हमने किया था मून वाला केस, सन अर्थ मून सेंटर ऑफ मास, तो हमने ये डिस्कस किया था, इसमें तो थोड़ा अलग दिखाया हुआ लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बताया था कि अर्थ है और मून है, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास कायदे से यहां कहीं होना चाहिए, पर अर्थ का मास इतना 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 बड़ा होता है कि ये सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट अर्थ के ऊपर ही होता है, और ये दोनों बॉडीज अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास आसपास घूमती हैं। अब उस केस में अर्थ के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो वो अपने एक्सिस पे घूमना स्टार्ट कर देती है, और मून अर्थ के आसपास नहीं घूमता, वो अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमता है, इसीलिए आप देखते हो कि जो मून है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, और अर्थ क्या कर रही है, स्पिन कर रही है।
तो एप्लीकेशन नंबर टू क्लियर है सेंटर ऑफ मास की। थर्ड जो था, जब एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, हमने डिस्कस किया था एक प्रोजेक्टाइल को, तो वो पैराबोला पाथ फॉलो करता है, पैराबोला एंड सच दैट कि अगर वो एक्सप्लोड ना हो तो ये उसकी ट्रेजेक्ट्री थी, पर वो तो एक्सप्लोड हो जाता है, तो उसके इतने टुकड़े इस तरीके से निकलते हैं आगे की तरफ कि उसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रास्ता फॉलो करता है जो वो बिना एक्सप्लोजन के फॉलो करता था। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, वो सेम है, सेम की सेम रहेगी। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? रिजिड बॉडीज सॉलिड बॉडीज हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका फिक्स्ड डिस्टेंस है। जैसे टायर है, टायर के अंदर हर पार्टिकल का फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो नहीं चेंज होगा, चाहे वो टायर घूमे या टायर ना घूमे। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक रिजिड बॉडी है। नेक्स्ट हमने काइनेमेटिक्स के अंदर किया था टू प्रूव दैट कुछ इक्वेशंस थी, और इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन के अंदर क्या तीन इक्वेशन थी, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करता हूं। आपको याद होगा कि दो टाइप की मोशन होती है, एक लीनियर मोशन है और इस चैप्टर में एक रोटेशनल मोशन है। ठीक, ऐसे ही करते हैं। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन दो मोशंस होती हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना, तो मैंने बताया था कि इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स होती है तो इसमें थीटा होती है, इसमें ओमेगा, इसमें वी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके अंदर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है, इसके अंदर जो ए है वो क्या होगा डी वी बाई डी टी है, तो इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसके अंदर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा या वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इन टू ए टी स्क्वायर, तो इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इन टू अल्फा इन टू टी का स्क्वायर, इसके अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू कितना थीटा। ठीक, इसमें हम यूज करते हैं फोर्स, इसमें यूज करते हैं टॉर्क, इसके अंदर यूज करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस चैप्टर में फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा, इसमें यूज करते हैं फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, इसमें यूज करेंगे फोर्स की जगह टॉर्क इज डी एल बाय dt where l is known as angular momentum, इसमें यूज करते हैं p is equal to mass into velocity, इसमें यूज करते हैं i times omega। तो रिलेशन सारे क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट है इसमें? तो ये सब कंपैरिजन क्लियर है। नेक्स्ट जो है इसके प्रूफ्स आते हैं। प्रूफ के अंदर क्या आएगा? टू प्रूव ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जैसे हमने v इज u प्लस ए टी का प्रूफ किया था बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। कैसे? हमने v इज u प्लस ए टी का प्रूफ यहां से स्टार्ट किया था कि हमने a इज dv by dt, पर यहां पर क्या करेंगे, अल्फा इज d ओमेगा by dt। ठीक, v इज u प्लस ए टी का प्रूफ याद है, तो इसमें a dv by dt, इसमें a नहीं, इसमें अल्फा d ओमेगा by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt। ठीक है यहां तक। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में डी ओमेगा की इंटीग्रेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा नॉट, और फाइनल कितनी है ओमेगा, ओमेगा नॉट सी ओमेगा, और यहां पर टाइम की इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, तो ये इंटीग्रेट करके ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा, और अल्फा कांस्टेंट है 1 dt की इंटीग्रेशन टी, तो आंसर आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, v इज ds dx by dt होता था, इसमें ओमेगा इज d थीटा by dt, तो जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां से d थीटा इज ओमेगा इनटू dt, तो इसको अब इंटीग्रेट करें, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले एक और काम करेंगे, जो ओमेगा होता है वो अभी हमने प्रूव किया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, और लिमिट थीटा की क्या लगेगी, जीरो से लेके थीटा, और टाइम की लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके टी, तो ये क्या हो गया थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा नॉट डी टी की इंटीग्रेशन, 1 डी टी की टी होती है, और टी की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर बाई टू, तो सीधा आंसर आ जाएगा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो है टू प्रूव ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा,
जैसे हम उसमें स्टार्ट करते थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसमें स्टार्ट करेंगे ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, इसमें इसमें एक और अल्फा की वैल्यू, सॉरी अल्फा से स्टार्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी को डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड, तो उसमें भी करते थे डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, तो यहां से डी ओमेगा बाई डी थीटा एक तरफ करेंगे, डी थीटा बाई डी टी एक तरफ करेंगे, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू इसके इक्वल है, यहां से डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा, तो ये देखो इनको अलग अलग पेयर कर लिया, डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा, और क्या बचा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा एक तरफ, अल्फा इंटू डी थीटा एक तरफ, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन के लिए ओमेगा की लिमिट लगानी है ओमेगा नॉट से ओमेगा, और थीटा की लिमिट लगानी है जीरो से थीटा, तो ओमेगा की इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय टू, अल्फा कांस्टेंट है थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय टू, और यहां से सिर्फ थीटा, तो इसको एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा इज द आंसर, ठीक हो जाएगा प्रूफ ये, मतलब आप इसको ऐसे याद करें जैसे आप प्रूफ करते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, बस उसके अंदर रिप्लेसमेंट ही करनी है, यू की जगह ओमेगा नॉट, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, बस सेम क्वेश्चन है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट जैसे टॉर्क है, टॉर्क मैंने बताया था टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं, कितना टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क में बताया था कि अगर मान लो आपने एफ फोर्स अप्लाई की और आर आपके पास जो इसका सेंटर एक्सिस से डिस्टेंस है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या करवाया था, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन फाई, याद है ये टॉर्क का एक्सप्रेशन था, प्रूफ नहीं करवाया था इसका, बहुत लंबा प्रूफ है तो प्रूफ नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क में बड़ा प्रूफ है इसका, वो हमने नहीं किया। एंगुलर मोमेंटम करवाया था, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल था, या तो आर क्रॉस पी था या आर पी साइन फाई था, ठीक है यहां तक, सेम आर पी, बस एफ की जगह यहां पर पी हो जाएगा, तो आर पी साइन फाई, ठीक, एक्सप्रेशन क्लियर है, एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाई या आर क्रॉस पी, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट जो है, जो अब क्वेश्चन आएंगे, ये तो चलो बेसिक्स था, या तो क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन पे जो मैंने करवाया, मेन क्वेश्चन वो है, वो बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है टॉर्क इज डीएल बाई डी टी को प्रूफ करो, ठीक, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, तो टॉर्क इज डीएल बाई डी टी को करने के लिए आपको याद होगा अभी करवाया मैंने, एल क्या है आर क्रॉस पी, इसको दोनों तरफ को डी बाई डी टी डी बाई डी टी कर दो डिफ्रेंशिएट, आर क्रॉस पी में यू इंटू वी की डिफ्रेंसिएशन लगेगी, कैसे, आर वेक्टर बाहर क्रॉस डी पी बाई डी टी, फिर पी वेक्टर बाहर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है यहां तक, तो एक बार आर को बाहर एक बार पी को बाहर, अब मुझे पता है डी आर बाई डी टी क्या होता है वी वी, तो आप देख सकते हो इसमें इसकी जगह वी लिख लिया, और वी क्रॉस वी क्या होता है जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है जीरो, तो आपके पास क्या बचता है एम इंटू डी वी बाई डी टी, लेकिन डी वी बाई डी टी क्या होता है ए, एम इंटू ए क्या होता है एफ, लेकिन आर क्रॉस एफ क्या होता है टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी कैन बी प्रूव्ड, ठीक, तो कुछ नहीं करना बेसिकली, आपने एल का फॉर्मूला लिखना है और दोनों साइड को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इस फॉर्मूला लिख के इसको डिफ्रेंशिएट करके एक टर्म जीरो होने वाली है, जो बची हुई टर्म है वो टॉर्क, कोई डाउट कोई स्टेप में कोई डाउट इसमें,
एप्लर्स लॉ हमने किए थे, तीन लॉस किए थे। कैपलर का फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स जो है इंक्लूडिंग जो अर्थ सन के आसपास घूमती हैं और सन सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो इमेजिनरी लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, ये एरिया स्वेप्ट और ये एरिया स्वेप्ट सेम होगा प्रोवाइडेड प्लैनेट का यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम हो, जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। और थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये तीन लॉज हमने किए और लॉज में फर्स्ट लॉ का प्रूफ नहीं किया। सेकेंड लॉ जो है उसके प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें इसको प्रूफ करेंगे। तो पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा ये, या प्रूफ दैट एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट या प्रूफ दैट केपलर सेकेंड लॉ को प्रूफ करो, तीनों में से एक क्वेश्चन। प्रूफ एक ही है तो आपने करना क्या है इसमें, सपोज कोई प्लैनेट मूव कर रहा है और जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पर आर है और मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डी आर, तो इसका स्मॉल एरिया जो स्वेप्ट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया इज अ वेक्टर मैंने बताया था और एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ये डी ए वैक्टर होगा। तो ये आर वैक्टर या डी आर वैक्टर, तो जब आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एरिया वैक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा। तो आपने इसका स्मॉल एरिया कितना लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर, डॉट नहीं ले सकते। यहां तक क्लियर है? दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दिया डी टी डी टी, तो ये क्या बन गया डी ए बाई डी टी, ये क्या बन गया डी आर बाई डी टी। ठीक, यहां तक भी क्लियर है? इस टर्म को मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से ही डिवाइड कर दो, जो भी टर्म लिखी थी उसको एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड कर दो। तो आपके पास डी आर बाई डी टी क्या था, वी एम इंटू वी क्या बन गया पी, और आर क्रॉस पी क्या होता है एल। जब एक प्लैनेट सन के आसपास घूमता है, ये सीधा याद रखना, उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाता, सन की अपनी ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको घुमा रही है, हम जाके नहीं घुमा रहे, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अब तो आपने ग्रेविटेशन के अंदर भी कर लिया, जब प्लैनेट घूमता है तो उसका एल हमेशा क्या रहता है, सेम। तो एल प्लैनेट का कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, तो राइट हैंड साइड ही कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है। हो गया प्रूफ, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक, बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया, एरिया निकाल के डी टी से डिवाइड ही तो किया और क्या किया, तो होगी एरियल वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? ठीक, नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच स्टेट्स दैट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में, अगर यहां फोर्स जीरो है तो पी इज कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है कि अगर टॉर्क जीरो है एक्सटर्नल तो एल इज अ कॉन्स्टेंट। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे तो किसी भी बॉडी का एल कॉन्स्टेंट रहेगा।
बी चैप्टर जो था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बहुत ही आसान और बहुत छोटा चैप्टर. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हमने क्या किया था कि जो काम मास करता है वो आई करेगा. मैंने बताया था इसकी इनेबिलिटी है कि ये रोटेशन जो है रोटेशनल मोशन के अंदर काम आएगा आई. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सीधा स्टार्ट करते हैं काम की बात से. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी पॉइंट मास का, वो मैंने बताया था कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो हमेशा क्या होगा, एम आर स्क्वायर होगा. फिर मैंने ये बताया था एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सीधा लिखी जा सकती है. अब आपको ये मालूम है कि कोई बॉडी अगर खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कैसे, आपने ऐसे रिलेट किया था जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा. लेकिन वो सही तरीका नहीं था मैंने बताया था. उसके लिए मैंने आपको ये ऐसे करवाया था कि मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसमें एम वन एम टू एम थ्री बहुत सारे मासेज हैं और हर की अपनी अपनी वेलोसिटी है लेकिन ओमेगा सबका एग्जैक्टली सेम है. ये एम टू है, इसकी वेलोसिटी वी टू है और ये डिस्टेंस आर टू पे है, ये आर वन पे है. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, लेकिन वी वन क्या होता है, आर वन इंटू ओमेगा. तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर में आर वन ओमेगा, इसको ओपन करेंगे तो एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल के लिए एम टू आर टू एंड सो ऑन. तो टोटल एनर्जी के लिए इन सबको ऐड कर दें, ऐड करके आपके पास हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया. क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर और ये सब एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, आई. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसकी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, इस तरीके से नहीं आती, बट मैंने आपको बता दिया कि बुकलेट में है तो मैंने बता दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. थ्योरम्स आती हैं, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आपको याद हो तो अगर ये बॉडी है और ये इसके तीन एक्सिस हैं सच दैट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड y एक्सिस, तो मैंने बताया था कि ये एक लेमिना के लिए लगती है 2D बॉडी. तो अगर 2D बॉडी है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है तो तीन एक्सिस उसमें से पास कर रहे हैं, दो एक्सिस प्लेन के अंदर से पास कर रहे हैं और तीसरा इसके परपेंडिकुलर है. तो क्या फॉर्मूला बताया था, z के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज x के अलोंग प्लस y के अलोंग, ये फॉर्मूला था. इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक लेमिना लिया, 2D बॉडी है और लेट अस सपोज ये डायग्राम है. इस डायग्राम में कोई पार्टिकल P पार्टिकल लिया, P पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया सच दैट x1 कोऑर्डिनेट का मतलब ये एक्सिस पे x एक्सिस पे डिस्टेंस x1 है और y एक्सिस पे डिस्टेंस y1 है और इस सेंट्रल एक्सिस ये डिस्टेंस z1 है. ठीक है यहां तक, एक पार्टिकल है. ऐसे हर पार्टिकल के ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर x के अलोंग निकालना है, x के अलोंग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अलोंग, किससे देखेंगे, एक्स से, जो कि कितना यहां पर y1. तो इसमें क्या आएगा, m1 into y1 का स्क्वायर, x नहीं. हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, लेकिन हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जो कि कितना है इसमें y1 है. तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें x एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m1 y1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल का m2 y2 स्क्वायर, करते करते mn yn स्क्वायर और इस केस में सिग्मा ऑफ m1 m2 m3 की जगह mi, y1 y2 y3 की जगह yi स्क्वायर. सिमिलरली अगर सेम डायग्राम में जाएं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकाल लें तो ये y एक्सिस है तो इसका पार्टिकल का डिस्टेंस y से कितना है, x1. तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अलोंग क्या बनेगा, m1 x1 स्क्वायर m2 x2 स्क्वायर अप टू mn xn स्क्वायर. सिग्मा की फॉर्म में m1 m2 की जगह mi, x1 x2 की जगह xi स्क्वायर. तो ये आपके पास x एक्सिस है और y एक्सिस है. इन्हें अगर ऐड करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, सिग्मा mi कॉमन आएगा और आप पाइथागोरस देख सकते हो अपने उस डायग्राम में, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर था. तो इन जनरल सीधा लिखेंगे xi स्क्वायर yi स्क्वायर zi स्क्वायर. इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो m1 z1 स्क्वायर m2 z2 स्क्वायर m3 z3 स्क्वायर. तो ओवरऑल मोमेंट इनर्शिया किस एक्सिस के अलोंग आएगा, z के. तो हो गया प्रूफ, z एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया इज x के अलोंग प्लस y के अलोंग. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ये हो जाएगी प्रूफ. दूसरी थ्योरम क्या थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. पैरेलल एक्सिस के अंदर क्या था कि मान लो कोई बॉडी ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है
और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हैं आई, और एक एक्सिस और है जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है इससे एच, तो नए एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक, ऐसे अप्लाई करते हैं। इसका प्रूफ अगर करना है, प्रूफ के लिए ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है सी डी और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है आई, और इसके अबाउट निकालने ए बी के अबाउट आपको निकालने और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है एच। तो इसके अंदर हमें इमेजिन करेंगे कि इस ये मुझे प्रूफ करना है कि आई प्लस एम एच स्क्वायर आंसर आएगा, जिसके लिए मैं दो पार्टिकल लूंगा कहीं पर बॉडी के अंदर एम वन और एम टू। एम वन एम टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से कितने सेंटर ऑफ मास वाले से आर टू, और एम वन का डिस्टेंस कितना है आर वन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये डायग्राम हमने क्लास में बनाया था। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई उस एक्सिस के अबाउट इज एम वन इंटू आर वन स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन एम एन इंटू आर एन स्क्वायर। तो ये किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया? सी डी के अबाउट। तो पुराने एक्सिस सी डी के अबाउट एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, सही। लेकिन मेरे को किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट। तो मेरे को अब इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहां से निकालना है और मेरे को इस पार्टिकल का डिस्टेंस अब यहां से निकालना है नए एक्सिस से, जो कि कितना होगा m2 का डिस्टेंस कितना होगा r2 प्लस h, यानी कि r2 प्लस h, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r1 माइनस h, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है r1, r1 में से h गया r1 माइनस h, और ऐसी m2 के लिए r2 प्लस h। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसलिए नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज m1 इनटू r1 माइनस h का होल स्क्वायर, m2 इनटू r2 प्लस h का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सिग्मा की फॉर्म में m1 m2 m3 की जगह mi, r1 r2 r3 की जगह ri, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस हर टर्म में h आ रहा है, तो यहां पर h का स्क्वायर। तो ये टर्म क्लियर है। अब इसके अंदर इसे ओपन करेंगे a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे mi ri स्क्वायर mi h स्क्वायर 2 टाइम्स ri into h into mi। इसमें से कॉन्स्टेंट्स कॉमन आएंगे, mi ri स्क्वायर तो अंदर रहेगा, mi into h स्क्वायर में h स्क्वायर भी बाहर निकालेंगे, और यहां से 2h कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा mi ri। इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या बनेगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं i ऑफ cd। तो i ऑफ ab इज i ऑफ cd प्लस h स्क्वायर अगर कॉन्स्टेंट है तो सिग्मा mi क्या होता है m1 plus m2 plus m3 up to mn, यानी कि टोटल मास m, और इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो। जीरो क्यों होता है? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सिस के इधर होंगे और कुछ इस तरफ होंगे, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा जीरो। तो सीधा इट कैन बी प्रूव्ड, सीधा इट कैन बी प्रूव्ड, या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई ऑफ ए बी इज आई ऑफ सी डी प्लस एम एच स्क्वायर, एक लाइन में। ठीक है यहां तक? तो दो थ्योरम्स क्लियर है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ ट्रैक विथ फ्रिक्शन में ये एक ट्रैक है, थीटा एंगल पर है, ये कार है या बॉडी है, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका वेट नीचे की तरफ है mg, ये थीटा, तो mg cos थीटा mg sin थीटा। ये कार जो है वो कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो फ्रिक्शन f कुछ इस तरीके से होगा। और नॉर्मल रिएक्शन r, तो अगर ये थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो ये r cos थीटा r साइन थीटा। ऐसी फ्रिक्शन के कॉम्पोनेंट्स हैं, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये पूरा बनेगा थीटा। तो एफ का एक कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो अगर सेंटर उधर है इस पूरे सर्कल का, तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ कितनी है एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, जो क्या प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल। और आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो दो इक्वेशन आएंगी, तो आप चेक कर सकते हो। पहली इक्वेशन एम जी प्लस एफ साइन थीटा नीचे की तरफ इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ, तो यहां से एम जी की वैल्यू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन को यहां पुट कर देते हैं, तो एम जी की वैल्यू आ गई। यहां से पुट करने के बाद आर कॉस थीटा कॉमन आ गया ऊपर से, यहां से आर कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो ये वन हो जाएगा, और यहां से आर बाहर आ गया, इसमें कॉस नहीं है, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो r cos थीटा निकाल के ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, मैथमेटिकल समझ आ जाएगा समझ स्टेप।
और दो फोर्सेस सेंटर की तरफ है, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स आर। इसमें से भी हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर टेन प्लस म्यू आएगा। फिर पिछली इक्वेशन में आर कॉस थीटा कॉमन निकाला था, इसमें भी निकाला, दोनों को डिवाइड कर दें तो आर कॉस थीटा कैंसिल, कैंसिल करके एम से एम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक प्रूफ करना है बैंकिंग विद फ्रिक्शन, जो कि हमने सर्कुलर मोशन में किया था वैसे प्रूफ। ठीक, तो इसके अंदर अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता, फ्रिक्शन ना होती, सिर्फ बैंकिंग होती, ट्रैक को ऊपर राइज किया होता, तो आपका आंसर इसके इक्वल आ जाता। स्क्वेयरिंग करेंगे तो टैन थीटा पी स्क्वायर बाय आर जी, सर्कुलर का रिजल्ट आ जाता। ठीक है, यहां तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फिगर्स का निकाला था। पहली फिगर क्या थी, सर्कल। सर्कल का एक्सिस अगर सेंट्रल है तो ऐसे किया था कि आप इस रिंग का स्मॉल एलिमेंट ले लें डीएक्स, इसका स्मॉल मास निकालेंगे डीएम। इसका स्मॉल मास कैसे निकलेगा कि अगर मान लो 2 पाई आर लेंथ है रिंग की, तो मास कितना है एम, 1 है, तो एम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और अगर लेंथ कितनी है डीएक्स, तो एम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू कितना डीएक्स, जो कि किसके इक्वल आएगा, डीएम। डीएम एक पॉइंट मास है, ये आ गया स्मॉल मास। डीएम एक पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना निकाला, ये मास है, और उसका इस रिंग के इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा, आर स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यहां से आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, पूरा रिंग कवर करना है एलिमेंट में, तो यानी कि लेंथ क्या कवर करनी पड़ेगी, 0 से लेके 2 पाई आर। तो यहां से एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, 1 dx की इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर। तो इसको इंटीग्रेट करके एक्स की जगह 2 पाई आर पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आपको मालूम है रिंग के सेंट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और अगर मान लो, जैसे ये मैंने बता ही दिया एम आर स्क्वायर, ये रहा सेंट्रल एक्सिस। अगर मान लो डायमीटर के अबाउट निकालना है रिंग का डायमीटर, तो मैंने शॉर्टकट बता दिया था कि सेंट्रल एक्सिस का हाफ कर दो। तो अगर सेंट्रल एक्सिस में एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो डायमीटर के अलोंग क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक, कुछ करना नहीं है इसमें। ऐसी अगर डिस्क का निकालना है, तो डिस्क कैसे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से बनी हुई है। डिस्क का मास एम है, और एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, जो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। कोई भी एक रिंग ले लो जिसकी थिकनेस डी एक्स है, जिसका रेडियस एक्स है, इसका स्मॉल मास निकाल लेते हैं। जो स्मॉल मास आएगा वो क्या आएगा, इसका रिंग का मास के लिए आपको रिंग का स्मॉल एरिया चाहिए होगा। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू कितना डी एक्स, बीच वाला एरिया, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो इस रिंग का मास क्या आएगा, इस रिंग का जो स्मॉल मास आएगा डी एम विल बी इक्वल टू टोटल मास डिस्क का एम है, और मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, पूरे एरिया के ऊपर। तो मास पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ रिंग से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो ये किसका मास आ जाएगा, रिंग का। ठीक, तो मास टोटल मास बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क इंटू एरिया ऑफ रिंग करेंगे, तो आपके पास मास ऑफ रिंग आ गया। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, इसमें स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले रिंग का निकाल लो। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला, मास इंटू रेडियस स्क्वायर होता है। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मास किसका पुट करेंगे, रिंग का, और रेडियस भी किसका पुट करेंगे, रिंग का। मास ऑफ रिंग मैंने वो निकाला हुआ है एम बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स dx, सिंप्लीफाई करके आएगा, इंटू रेडियस ऑफ रिंग कितना है, एक्स। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया स्मॉल। ठीक, और इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन में आप रिंग्स जब प्लेस करोगे, तो पहली रिंग का सेंटर का रेडियस 0 होगा, फिर उसके आउटर रिंग आउटर रिंग आउटर रिंग आखिरी रिंग का रेडियस आर होगा। तो लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से लेके आर तक। तो यहाँ से एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4, आर 4/4 आएगी। जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, आपके पास हाफ एम आर स्क्वायर आंसर आएगा। तो मतलब कुछ नहीं करना आपको, रिंग कैलकुलेट, जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेट करना है। जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले रिंग का निकालना है, और फिर इंटीग्रेट करके डिस्क आएगा। दो टॉपिक क्लियर है यहां तक। तीसरा, इसमें
ये मैंने बता दिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, और डायमीटर में मैंने शॉर्टकट बताया उसको क्या कर देना है, हाफ, तो 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक। और टेंजेंशियल एक्सिस में आप ऐसा कर सकते हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो, तो इसके अबाउट अगर हाफ एम आर स्क्वायर है तो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक। और लास्ट है इसमें रॉड, हम रॉड का मोमेंट इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, सारी फिगर्स का नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वैसे तो बहुत ही कम चांस है मोमेंट इनर्शिया के डेरिवेशंस का, कोई स्कूल होता है जो रिंग और डिस्क का डाल देता है, नहीं तो नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन कम डालते हैं, वैसे डालते हैं एंगुलर मोमेंटम का सिग्निफिकेंस बताओ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बताओ, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं, प्रूव दैट टॉर्क इज डी एल बाई डी टी, इस टाइप के एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं। जिन जिन स्कूल में हो पेन ड्राइव में पेपर्स लेके गए हुए हो, कई लोग लेके गए हुए हैं, तो उनमें दिसंबर एग्जाम के आपको सैंपल दिख जाएंगे, तो आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट जो है रॉड, रॉड अगर एक्सिस सेंट्रल है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रॉड घूमती है, तो रॉड थिन रॉड है, बहुत पतली रॉड है, बहुत बड़ी बनाई है, रादर थिन रॉड है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। तो आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसमें डी एक्स, इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा एक्स, पहले आप स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसका, लेकिन उसके लिए आपको इसका मास निकालना पड़ेगा, इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा एम बाई एल इन टू dx, क्योंकि मास अपॉन लेंथ, इसकी जो रॉड है उसका टोटल मास m है और लेंथ टोटल l है, तो m by l क्या हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, तो इसका मास आ गया। मास को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो रॉड के केस में बस लिमिट लगाते हुए एक चीज ध्यान रखना है कि रॉड का जो सेंट्रल एक्सिस है वो ओरिजिन माना जाता है, इधर की लेंथ माइनस एल बाई टू है, तो इधर की लेंथ प्लस एल बाई टू है, तो लिमिट जो लगानी होती है जीरो से एल नहीं लगानी होती, या जीरो से एल बाई टू भी नहीं लगानी होती, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू बस। तो एम बाई एल यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगी, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, एक बार एक्स की जगह एल बाई टू, एक बार माइनस एल बाई टू, जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, याद रहेगा यहाँ तक। नेक्स्ट जो है इसमें और कुछ नहीं करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर है, स्ट्रिंग है, नीचे मास है, तो आप इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो फिक्स्ड है और ये सिलेंडर रोल खड़ा खड़ा रोटेट कर रहा है और नीचे कोई मास है वो नीचे आता जा रहा है, स्ट्रिंग लूज होती जा रही है, सिलेंडर घूम रहा है, और आपको इसकी एक्सेलेरेशन बतानी है क्या होगी। तो हम इसका अगर साइड व्यू यहाँ से देखें, साइड व्यू आपको ऐसा दिखेगा इसका, ठीक, सिलेंडर ऐसे था, आपको यहाँ सर्कल दिखेगा, सर्कल पे स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ पे टेंशन उसके अंदर टी है और नीचे एम जी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो लॉज ऑफ मोशन से बनेगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर वन क्लियर। और दूसरी इसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है, और टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना आर इंटू टी, लेकिन टॉर्क का एक और एक्सप्रेशन होता है आई टाइम्स एल्फा, तो दोनों टॉर्क के इक्वेशन को आपने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आर इंटू टी इज इक्वल टू आई, जो ए होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किसी भी बॉडी की होती है वो क्या होती है आर टाइम्स एल्फा, तो एल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आई ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इस टी को उठा के ऊपर पुट करना है, तो जब आप ऊपर पुट करोगे तो आपके पास यही क्वेश्चन आएगी, यहाँ से ए कॉमन निकाल के आंसर आ जाएगा,
जो आंसर आएगा ठीक है, बट समझ में आ रहा है कुछ नहीं करना, टॉर्क की एप्लीकेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गायरेशन की, सॉरी जो है एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन इमेजिनरी मैंने बताया था, और रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मैंने ये बताया था कि अगर मान लो एक बॉडी है और जिसमें लेट अस सपोज इसके अंदर m1 m2 m3 अप टू mn r1 r2 r3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं, तो इसके अंदर i की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mr स्क्वायर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और इसको ये आपने क्या किया, मोमेंट इनर्शिया इंडिविजुअल पार्टिकल्स का निकाला, ठीक, इंडिविजुअल का, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया। तो इसके अंदर m कॉमन मानते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड, तो एक पार्टिकल का मास m है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m इंटू n कैपिटल m। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी जब आपने इंडिविजुअली इनको ऐड करना है। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में मैंने बताया था दिस मस्ट बी इक्वल टू m के स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करेंगे, m से m कैंसल, तो गायरेशन का फॉर्मूला जो आएगा अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर बाय n, जिसको मैंने नाम दिया था रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। लेकिन इससे बेटर तरीके से मैंने ऐसे समझाया था, ये तो मैंने इसलिए बताया था ये बताने के लिए कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती और जीरो भी नहीं हो सकती, स्क्वायर है ना क्योंकि। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, उसको एम के स्क्वायर से आप इक्वेट करके उसकी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो निकाल सकते हो, जो कि क्या आएगी 2/5। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, उसको एम के स्क्वायर के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है यहां तक। तो टोटल एनर्जी के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, जब कोई बॉडी रोल करती है तो वो ट्रांसलेट भी कर रही है और वो घूम भी रही है। तो हमने कहा था रोलिंग एक बॉडी की मोशन होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ स्लाइड करना, एक होता है ओनली रोटेशन खड़ी खड़ी घूमना, एक होता है रोल करना, चलना भी ट्रांसलेट भी करना और घूमना भी। तो अगर सिर्फ ट्रांसलेशन हो रही है तो बस ये एनर्जी, अगर सिर्फ रोटेशन हो रही है तो ये एनर्जी, अगर दोनों हो रही है तो दोनों की एनर्जी, जबकि ये वेलोसिटी किसकी मानी जाएगी, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो यहां से एक मॉडिफाइड रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था, आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा को क्या, जब कोई बॉडी रोल करती है, मैंने बताया था जब कोई बॉडी रोल करती है विद ओमेगा, तो रोल करती हुई का फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से सिंप्लीफाई करोगे, याद है फॉर्मूला बनाया था हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ठीक। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है पेपर में, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी रोल करती है तो रोलिंग के दौरान उसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है, किसी भी बॉडी की। पेपर में आपके सिलेंडर आ सकता है, स्फेयर आ सकता है, कुछ भी आएगा, तो चाहे सिलेंडर आए चाहे स्फेयर आए, आपने एक ही टॉपिक करना है, हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से करना है, एंड में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे, बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, तो एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास से बनाएंगे, एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एम ए, फर्स्ट इक्वेशन, मेरे कैपिटल एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें मैंने स्मॉल एफ लिख लिया कोई बात नहीं। और दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये रेडियस आर है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, इसमें टॉर्क कितना, आर इंटू एफ, और टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा, इक्वेट कर लिया आईने, आर एफ इज इक्वल टू एल्फा। लेकिन मुझे पता है कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, यहां पुट करोगे तो आर एफ इज इक्वल टू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर, तो यहां से आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी आई ए डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, स्मॉल f कर लेते हैं, चलो स्मॉल f, ठीक। इस स्मॉल f को उठा के यहां पुट करेंगे तो एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एम ए, ठीक, ये एक्सप्रेशन आएगा। और यहां से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू a आई बाई आर स्क्वायर प्लस वन, और ए की जगह एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस वन, लेकिन किसी भी बॉडी के लिए आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, तो एम जी इंटू साइन थीटा बाई एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वन। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे एम से एम कॉमन निकाल के, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आप इसको ड्राइव कर सकते हैं
ये आपके इसमें लिखा हुआ है, ये देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए, और यहाँ पर एफ की जगह आई बाई आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास ए की ये वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके आपके पास ए की ये वैल्यू आएगी, आई की जगह एम के स्क्वायर, वहाँ पर एम एम चल रहा था शायद, मेरा वहाँ वन लिख दिया, कोई बात नहीं, एम से एम कैंसिल, तो आंसर आएगा जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप अपने स्कूल के पेपर में देखेंगे, अगर उस टीचर ने बोला कि स्फेयर है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह 2/5, अगर उसने बोला सिलेंडर है तो हाफ, ऐसे करना है। ठीक है यहाँ तक? ठीक, तो अगर कोई बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जी साइन थीटा। लेकिन अगर कोई बॉडी रोल करती हुई आ रही है, रोल करती हुई आ रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें ये फॉर्मूला सबको पता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सुनो, एल इज इक्वल पी इज इक्वल टू एम इन टू वी की जगह एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट सन के पास साथ जब घूमता है सन के आसपास, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि एल तो कांस्टेंट होता है, जब वो पास जाएगा उसका आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, जब वो दूर जाएगा तो आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा उसका कम हो जाएगा, तो इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक, क्योंकि एल इज कॉन्स्टेंट। कोई बंदा अगर मान लो स्केट्स लेके अगर वो उस अगर वो बॉडी को इकट्ठा कर ले और घूमे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बॉडी एक्सपैंड करेगा तो उसका आई बड़ा है, आई बड़ा है तो ओमेगा छोटा होगा क्योंकि एल इज कॉन्स्टेंट, और जब वो बॉडी को फोल्ड करता है तो आई कम हो जाता है तो ओमेगा उसका ज़्यादा हो जाता है। तो आपने हर एग्जाम्पल में एक ही चीज़ का आंसर देना है, एल इज आई ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, इफ आई इंक्रीजेज तो ओमेगा डिक्रीजेज। सिमिलरली ये हो गया, पर्सन कैरिंग हैवी वेट, बताया था डंबल लेके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है तो प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो स्लो घूमेगा, जैसे ही डंबल पास लेके आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा उसका ज्यादा, प्लेटफॉर्म तेज घूमेगा। ठीक, तो एक ही एग्जाम्पल देना है आपने। तो ये पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका रोटेशनल मोशन का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। आपकी सब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने जब की थी तो ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे, टू बॉडीज मासेस 1 kg 2 kg लोकेटेड एट 1, 2 एंड -1, 3, तो आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बताया था m1 m2 पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, तो x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आएगा। ठीक, ऐसे किया था जैसे HCl मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन किया था, एक HCl मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको ये गिवन है कि इसका H का मास अगर m है तो क्लोरीन का मास 35.5 × m है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मान लो r है या x है, तो सेंटर ऑफ मास मान लो जहां पर भी होगा आपको x बताना है कहां सेंटर ऑफ मास होगा, तो बताया था कि सेंटर ऑफ मास मान लो h से कितनी दूरी पे है, x पे, या मान लो टोटल डिस्टेंस 1.27 है, इसमें गिवन है टोटल डिस्टेंस h और cl में 1.27 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर ये मान लो x है तो ये 1.27 माइनस x है। ठीक, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम क्या मानते थे? जीरो, सेंटर ऑफ मास जीरो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1 into x1 plus m2 into x2 by m1 plus m2, तो आप इसके कोऑर्डिनेट बना लेना, ये h है, ये क्लोरीन है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये x है, ये 1.27 माइनस x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 1.27 माइनस x, 0, और ये ओरिजन है, और अगर ये ओरिजन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? माइनस x, 0, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू m, मास m1 की जगह m, और इनटू माइनस x प्लस
प्लस इसका मास कितना है 35.5 × m, और डिस्टेंस कितना है 1.27 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस 35.5 × m, तो यहां से x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा किया था कुछ क्वेश्चन। फिर हमने क्वेश्चन किया था कि सपोज तीन स्फेयर्स हैं, तीनों स्फेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो सच दैट तीनों का मास m है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैंने तरीका बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 मान लो, ये r है, ये r है, तो ये कोऑर्डिनेट 2r है, 2r, 0, और ये y एक्सिस मान लो, सच दैट ये डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी r है, तो इस पॉइंट का r हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और आप ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेके ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा 2r, 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 तो एंगल 60 हो जाएगा। तो tan 60 लेके दिस डिस्टेंस बाय r निकालोगे तो ये √3r आएगा, जो कि इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो अपने ज्योमेट्री लगा के x1, y1, x2, y2, x3, y3, बस उसके बाद m1, x1, m2, x2, m3, x3 by m1 plus m2 plus m3, x and y coordinate can be calculated। ऐसे करते हैं सेंटर ऑफ मास इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक, नेक्स्ट, जैसे अ व्हील रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियंस पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ कांस्टेंट टॉर्क इन 4 सेकेंड। एक व्हील रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड उसकी कितनी है 20, तो एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है ओमेगा नॉट, और रेस्ट का मतलब फाइनल ओमेगा क्या हो गया 0, कितनी देर में 4 सेकेंड में। तो यू कैन अप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा अल्फा। कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर व्हील का मुझे गिवन है, फाइन वर्क डन बाय टॉर्क इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में अगर वर्क डन निकालना है, तो मैंने बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकती है इसमें। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो फॉर्मूला होगा ½ × i × ω² − ½ × i × ω₀ का स्क्वायर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और भी तरीका है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगानी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए फायदेमंद है क्योंकि i आपको गिवन है, ओमेगा आपको गिवन है, ओमेगा नॉट आपको पता है, ओमेगा तो 0 हो जाएगा ना, ओमेगा नॉट आपको पता है, तो सीधे ही आंसर आ जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर बुक्स ऐसे करती हैं, यहाँ से पहले अल्फा और आई निकाल लिया, फिर वो बोलती हैं जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन इस केस में फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, तो फिर वो टॉर्क से क्या निकालेंगी आई इंटू अल्फा इंटू थीटा। आई उन्हें पता है, अल्फा उन्हें पता है, अब थीटा नहीं पता, अब क्या करेंगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ½ × α × t² से टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करके क्या निकालेंगी थीटा, पुट करेंगी आंसर। ये ज़्यादा बेटर था पहले वाला, वर्क एनर्जी थ्योरम ज़्यादा बेटर थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो आंसर आ गया बस। नहीं तो तरीका फिर ठीक है, भी ठीक है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इनटू थीटा, मतलब ये प्रॉब्लम्स काइनेमेटिक की तरह ही है बिल्कुल सेम, बस ये ध्यान में रखना है कि वर्क डन पूछ रहा है तो टॉर्क इनटू थीटा ही होगा ना, और थीटा 2 सेकंड के अंदर निकाल लेना, और आई इनटू अल्फा में आई पता है अल्फा आप निकाल लेना, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे क्वेश्चन आता था व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64th ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/64th अगर उसका जो है वॉल्यूम हो जाता है तो मास रिमेनिंग द सेम, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस r2 है 1/64 × 4/3 × π × कितना r1 का क्यूब, तो यहां से आपके पास क्या आ गया r2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/64 × कितना r1 का क्यूब। ठीक, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो r2 की वैल्यू क्या आ गई r1/4। ठीक, जब भी अर्थ श्रिंक होती है तो एक ही फॉर्मूला लगता है i1 × ω₁ इज इक्वल टू i2 × एंगुलर मोमेंटम, हमेशा उसका कॉन्स्टेंट रहेगा, मास रिमेनिंग भी सेम। अर्थ के लिए 2/5 × m × r1² × 2π/24 आवर्स पुट कर दें, यहाँ पे मस्ट बी इक्वल टू i2 की जगह 2/5 × r2² × 2π/t2 t2 निकाल लें, 2π 2/5 m कैंसिल, r2 और r1 का रिलेशन आपको पता है, पुट करके r1 कैंसिल, t2 कैन बी कैलकुलेटेड। अब कहने का मतलब यू हैव टू अप्लाई i1 ω₁ i2 ω₂, तो एक ब्रीफ आइडिया क्लियर है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को करना है। ठीक,
जैसे कोई भी बॉडी, जैसे क्वेश्चन, एक बार देखो इस क्वेश्चन को, सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन, इट्स मास इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन. हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज गिवन. सो वॉट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वेन इट रीच इज द फुट. देखो एक चीज याद रखना हमेशा, कोई भी इंक्लाइन प्लेन से बॉल नीचे आए या बॉल ऊपर जाए, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एच हाइट पर उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, और यहां पर कौन सी एनर्जी होगी, टोटल, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा इसमें, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. बस फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ केसेस बनाने हैं. पहले केस में अगर वो रिंग है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन पुट करेंगे, अगर ये स्फेयर है टू बाय फाइव पुट करेंगे, अगर ये सिलेंडर है हाफ पुट करेंगे. तो यहां से इक्वेशन बना बना के तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, बेसिक्स क्लियर है.